की कानून व्यवस्था है आपकी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्या नहीं रोक पा रहे हो। सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज। जिस दिन अंबेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट कर नहीं देख पाओगे। तो मेरे दाएं तरफ जो साथी बैठे उनको बुरा लगेगा, कर्नाटक में 14,732 करोड़ रुपए इन्होंने दूसरी योजना में लगा दिए, और मध्य प्रदेश में आपने 95 करोड़ रुपए जो है दूसरे बजट में लगा दिए। हमारा जो मिलता है उसको तो मत छीनो भाई। MSP की लीगल गारंटी कोई बात नहीं हुई है। किसानों को जो 6,000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ा के 12,000 रुपए करना चाहिए, और फसल बीमा जो है उसका सारा प्रीमियम सरकार भरे, किसानों पे बोझ ना लगे। रिजर्वेशन प्रमोशन में लागू नहीं किया गया, पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया, इस पर चर्चा नहीं हुई। देश में मनरेगा समय न्यूनतम मजदूरी की दर 700 रुपए होनी चाहिए, समान काम समान वेतन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। जो रसोई में की रसोई की चिंता करते हुए 500 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा के दाम नहीं होने चाहिए, जो महिलाओं को राहत मिल सके। बिजली के दामों में भी कमी होनी चाहिए। बेरोजगार युवा को 5,000 रुपए भत्ता मिलना चाहिए, जो बेरोजगार युवा जो है अपनी पढ़ाई या अपना खर्चा उठा सके। मैं अपने क्षेत्र के विषय में महोदय आपसे कहना चाहता हूं कि पश्चिम यूपी में नगीना में एक एम्स बनना चाहिए, एक IIT बननी चाहिए, एक IIM बनना चाहिए। नगीना लोकसभा में उद्योग धंधे लगने चाहिए। नगीना की कताई मिल जो है उसको पुनः शुरू कराना चाहिए। RRTC जो योजना है सरकार की उसको मेरठ से आगे बढ़ाकर मुजफ्फरनगर सहारनपुर से नजीबाबाद नगीना होते हुए उसको नगीना तक ले जाना चाहिए। साथ साथ नजीबाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन चलनी चाहिए, और नगीना श्योरा किरतपुर में रेलवे के ओवरब्रिज बनने चाहिए। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए गए और जनजाति कार्य मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए, कुल 26,000 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 48.20 लाख का लगभग 0.54% है, जबकि हमारी संख्या 25% से ज्यादा SC/ST की और बहुजन समाज की मिलाओगे तो 85% से ज्यादा है। और हमारे विकास के लिए सरकार 1% बजट 1% पैसा खर्च कर रही है, जो मिलना हमें चाहिए, जबकि मिलना हमें 25% चाहिए। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है कहावत हमने बहुत दिन सुनी थी, पिछले लंबे समय से हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे, इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसाधन का बंटवारा संख्या के आधार पर होगा। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है सरकार को देना पड़ेगा। आपके माध्यम से सरकार से मेरी एक मांग है, सरकार इस योजना का लाभ भी अपने आप ले ले, सरे भी ले ले, कि 1,00,000 रुपए सालाना बहुजन समाज के अत्यंत गरीब परिवारों को दे। 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इस 1,00,000 रुपए की योजना से एक झटके से एक परिवार में गरीब परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आएगा, और इनके बच्चों को कुपोषण खत्म होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, और इससे वास्तव में सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक होगा। अगर प्रश्न ये होगा कहां से आएगा, तो उसका जवाब यह है कि जब अमीरों का 16,00,000 करोड़ रुपए माफ हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स का घटाकर 1,00,000 करोड़ रुपए का चुना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती। महोदय, समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। SC/ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरी आपसे यह भी मांग है, क्योंकि अब समय की मांग है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों जैनों सिखों बुद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा, उनकी कल्याण कोई योजना नहीं है। मदरसों को जो बजट मिलता था खत्म कम कर दिया गया है, आर्थिक तंगी से लोग मर रहे हैं, इंटर्नशिप की बात हुई है, परमानेंट रोजगार नहीं है। और दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या, वो आए तो बनने थे IPS और बन के गए, लाशें बन के गए, यहां से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी की नजर नहीं है। साथ साथ मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग देश से बड़ा प्रेम करते हैं, और हम ये महसूस करते हैं कि सरकारें हमें सुनेंगी, सरकारें हमारे बारे में सोचेंगी, लेकिन ऐसा महसूस हो जाता है आजादी के 75 साल बाद, और जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, आज भी SC/ST OBC के लोग पर अत्याचार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले गोली से उड़ा दिया गया गाजियाबाद में, और राजस्थान में गर्दन काट दी गई। ये घटनाएं देखकर डर लगता है, घर से निकलते हुए भी क्या घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। तो मेरा सरकार से आग्रह है, अगर आजादी के 75 साल बाद भी हमें हमारी हत्या हो रही है, तो हमारी मां को भी दर्द हुआ होगा जब उसने हमें पैदा किया हो, हमारी बहनों को भी हमारे खोने का दर्द होता होगा। कैसी कानून व्यवस्था है आपकी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्या नहीं रोक पा रहे हो, गरीबों दलितों पिछड़ों किसानों मजदूरों की जान नहीं बचा पा रहे हो, किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है। और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई तब होगी जब जमीन पर भी कुछ काम दिखाई देगा, और जमीन पर महोदय कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई योजना की बात आती है तो सरकार हमसे मुंह मोड़ लेती है। आप बताइए, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ का बजट कम कर दिया, मैं अपने क्षेत्र में गया तो आप विश्वास कीजिए, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, और कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तो देश किस तरफ जा रहा है, और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है, उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए मेरा आपसे आग्रह और आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि यहाँ बाहर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, एक वो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और आप विश्वास करो इतना गुस्सा है उसको लेके, मेरी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी सरकार से हमारी आग्रह कि वो अंबेडकर वादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके जो है दिल की पीड़ा को समझते हुए, दर्द का ध्यान रखते हुए, उस मूर्ति को पुनः स्थापित करा दीजिए। अगर इसमें कोई राजनीतिक कारण अलग बात है, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें बहुत गुस्सा है, जिस दिन अंबेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट कर नहीं देख पाओगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मुझे विश्वास है कि सरकार मेरी बातों पर गौर करेगी और गरीबों के बारे में सरकार सोचेगी, गरीबों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान होंगे।